सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में हम एक्समैन द डार्क फिनिक्स का एंडिंग एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वीडियो में काफी सारे स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आपने एक्समैन द डार्क फिनिक्स नहीं देखी है तो ये वीडियो आप कम्प्लीटली ना देखें। अगर आपको स्पॉयलर फ्री रिव्यू चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे है, आप उसे जाकर देख सकते हो। सो एंडिंग एक्सप्लेन करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट। सो इस मूवी के एंड के बारे में बात करने से पहले चलिए जेसिका चेस्टेन की करेक्टर के बारे में बात करते हैं। जेसिका चेस्टेन करेक्टर एक एलियन का करेक्टर था, जो कि एक सेफ शिफ्टिंग एलियन के ट्राइब से बिलोंग करती थी। उन एलियंस का नाम डब्बारी था। तो बेसिकली मुझे लगता है कि इन डब्बारी एलियंस की जगह इस मूवी में स्क्रल्स का यूज होने वाला था, पर क्योंकि कैप्टन मार्वल फिल्म में स्क्रल्स का यूज पहले से मार्वल कर रही थी और एक्समैन नहीं चाहता था कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज हो कैप्टन मार्वल और डार्क फिनिक्स के बीच में, इसीलिए शायद इस मूवी में स्क्रल्स का यूज नहीं किया गया। सो जेसिका चेस्टेन का करेक्टर अर्थ पे आता है ताकि वो फिनिक्स फोर्स को कंट्रोल कर सके या जीन ग्रे से फिनिक्स फोर्स को वापस ले सके, क्योंकि फिनिक्स फोर्स ने ही उनके प्लैनेट्स को तबाह कर दिया था और उनके बहुत सारे एलियन साथियों को मार दिया था। और इसीलिए जेसिका चेस्टेन का करेक्टर फिनिक्स फोर्स का पीछा कर रही थी ताकि उसका हेल्प से वो वापस से अपने डब्बारी एलियन स्पीसीज को ग्रेड बना सके। सो इस मूवी का एंड चालू होता है उस ट्रेन सीक्वेंस से जहां पर प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो और सारे एक्समैन उस ट्रेन के अंदर लॉकअप में थे और उसी समय डिब्बारी सोल्जर्स उन पे हमला करने आते हैं और तभी प्रोफेसर एक्स की टीम और मैग्नेटो का टीम मिलकर डिब्बारी सोल्जर्स से लड़ता है जीन ग्रे को बचाने के लिए, क्योंकि डिब्बारी सोल्जर्स और जो जेसिका चेस्टेन का करेक्टर था वो चाहते थे कि फिनिक्स फोर्स वो जीन ग्रे के अंदर से निकाले और उसे यूज कर सके अपने फायदे के लिए। पूरे मूवी में हमें एक प्लॉट देखने को मिलता है जहां पर मैग्नेटो का टीम और प्रोफेसर एक्स का टीम एक दूसरे से ही लड़ रहे होते हैं, पुरानी एक्समैन मूवीज के जैसे। और इस मूवी में बीस्ट का करेक्टर भी प्रोफेसर एक्स के विरुद्ध चल जाता है, क्योंकि मिस्टी के डेथ के लिए बीस्ट प्रोफेसर एक्स को ब्लेम करता है। सो इसी ट्रेन के फाइटिंग सीन के दौरान जीन ग्रे के पावर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं और वो कॉस्मिक लेवल पावरफुल बन जाती है। फिनिक्स फोर्स उसके पर्सनैलिटी पे पूरी तरीके से हावी हो जाता है और जब जेसिका चेस्टेन का करेक्टर लास्ट बार कोशिश करता है फिनिक्स फोर्स को जीन ग्रे के अंदर से निकालने के लिए, तब जीन ग्रे पूरी तरीके से फिनिक्स फोर्स में इवॉल्व हो जाती है और सबको लगता है कि जीन ग्रे मर गई, पर टेक्निकली वो फिनिक्स फोर्स की फॉर्म में बन जाती है और आउटर स्पेस में उड़ के चले जाती है। और इसी सब के दौरान जेसिका चेस्टेन करेक्टर भी मारा जाता है। तो अब जीन ग्रे उस सीन में मरी या नहीं मरी ये तो हमें नहीं पता चल सकता, क्योंकि ये लास्ट मूवी थी एक्समैन की। और आप अपने थ्योरीज इसके ऊपर बना सकते हो और कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हो, पर मुझे तो अच्छा लगता है कि जीन ग्रे नहीं मरी बल्कि वो फिनिक्स फोर्स में इवॉल्व होकर आउटर स्पेस में चली गई। अब वो आउटर स्पेस में क्या करेगी ये तो मुझे भी नहीं पता, और क्योंकि इसके बाद मूवीज नहीं आने वाली है तो शायद हमें कभी पता भी ना चले। सो शायद इस मूवी का तीन मूवीज आने वाली थी, एक ट्रिलॉजी बनने वाली थी डार्क फिनिक्स की, पर मार्वल और डिज्नी फॉक्स डील के बाद ये पॉसिबल नहीं हुआ। सो जीन ग्रे के फिनिक्स फोर्स में तब्दील होने के बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक्स अपने स्कूल का नाम बदलकर जीन ग्रे के ऊपर रख देता है और उसके बाद रिटायरमेंट ले लेता है, और जितने भी बाकी सारे बचे हुए एक्समैन थे उनको जिम्मा दे देता है उस स्कूल को चलाने का। इसके बाद हमें मूवी में दिखाया जाता है कि प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो दोनों ही रिटायरमेंट ले लेते हैं और वो दोनों बैठ के चेस खेलते हैं एक सीन में, जो सीन हमें सबसे पहले एक्समैन मूवी में देखने को मिला था, जहां पर उस मूवी के लास्ट में प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो चेस खेलते हैं एक प्लास्टिक सेल के अंदर। सो ये सीन बेसिकली एक ईस्टर एग था एक्समैन की पहली मूवी को लेकर। उसके बाद मूवी के सबसे लास्ट में हम फिनिक्स फोर्स को देखते हैं अर्थ के ऑर्बिट के बाहर, इंडिकेट करते हुए कि शायद जीन ग्रे अभी भी जिंदा है। तो ये था मेरा वीडियो एक्समैन द डार्क फिनिक्स के एंडिंग के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।